हेलो गाइस, आपके अपने चैनल शर्मा का टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे गाइस इस वीडियो में बात कर रहे हैं रेड गेन आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में, क्या हमें इसमें लगाना है या फिर रुक जाना है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की तो यहाँ पे हो ही चुका है काफी सारे आईपीओ की वजह से। यहाँ आपको पता होगा कि आज इसका लास्ट डे है, यानी कि डे थर्ड आज क्लोज होने वाला है। और गाइस काफी महंगे वैल्यूएशन पे आई है, एक रुपए के फेस वैल्यू पे 425 रुपए प्राइस बैंड लेके आया, यानी कि अगर जो स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे देखे तो गाइस 4250 रुपए की फेस वैल्यू पे आया है। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा पॉजिटिव है कि ये ओएफएस के साथ साथ फ्रेश इशू लेके आया है, लेकिन जो वैल्यूएशन है इस कंपनी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे खास डिमांड निकलती हुई नहीं दिखी। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात करूँगा इस तो 1:10 का डेटा मेरे पास और 4.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए एंकर इन्वेस्टर्स को हटा के जिन्होंने 599 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो गाइस अप्रोक्सीमेटली आपको 3526.49 करोड़ देखने को मिल जाएगा। और इंक्लूडिंग यहाँ पे अगर जो बात करें एंकर इन्वेस्टर की, तो गाइस अभी तक इसमें 4125 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिल जाएगा। सो कुछ खासा हमें डिमांड यहाँ पे निकलती नहीं दिख रही है। अगर जो बात करें एक सेफ्टी जोन की, तो गाइस सेफ्टी जोन इसमें कम से कम 20 टाइम का सब्सक्रिप्शन तो चाहिए ही था। अभी यहाँ पे गाइस करना क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि कई सारे आईपीओ लिस्ट में है। सी इन्फोटेक आज स्टार्ट हो चुका है, जिसका डिटेल रिव्यू चैनल पड़ा हुआ है, अगर जो आपने नहीं देखा है तो देख लेना, काफी बेहतरीन तरीके से किया है। श्रीराम का जो कल क्लोज होने वाला है, और गाइस आगे कई सारे आईपीओ लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर जो आपके पास पैसे एक्स्ट्रा है, 4 से 5 लॉट आप लगा सकते हो, मतलब 4-5 आईपीओ में लगा सकते हो, तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। अगर जो ग्रे मार्केट की बात करूँ तो गाइस ग्रे मार्केट में कुछ खासा डिमांड नहीं निकलती दिख रही है। 55-60 रुपए डिमांड निकलती दिख रही है, जो कि एक लॉट में एक्सपेक्टेड लिस्ट करनी 2100 रुपए तक देगा और आपको 14 से 15% तक का गेन दिखाता हुआ मिल रहा है। मैंने हमेशा आपको बोला है गाइस, जब तक सब्सक्रिप्शन डेटा अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ खासा मजा नहीं देखने को आएगा किसी भी आईपीओ में। यहां पे जबकि ये आईपीओ एक लॉस मेकिंग कंपनी है, टेक जायंट है, आप कार्ट्रेड और पेटीएम जैसा बोल सकते हैं। साथ में यहां पे पेटीएम जितना महंगा नहीं है, लेकिन महंगा ही है वैल्यूएशन अकॉर्डिंग जितना इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। ये सारा कुछ मैंने डिटेल रिव्यू आपको बता रखा है, अगर जो आपने देखा होगा तो बिल्कुल आपको मेरी बात एग्जैक्ट समझ में आ रही होंगी। सो गाइस यहां पे अगर जो आप रिस्क ले सकते हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज सीधे कर दे अवॉइड। कल अगर जो श्रीराम का पॉजिटिव डेटा आया तो वहां पे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज भाई नेक्स्ट कई सारे आईपीओ हैं। श्रीराम का इस टाइम तक 1.26 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जबकि देखा जाए डे टू पे इसी टाइम तक तो ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन था रेड गेन का गाइज वो 79% ही सिर्फ हुआ था, यानी कि 0.79%, ठीक है। लेकिन आईपीओ के साइज में डिफरेंस भी है, वहां पे वो 600 करोड़ का है श्रीराम और ये 1335 करोड़ का है। ये दोनों डिफरेंस आपको समझना होगा कि भाई सब्सक्रिप्शन जो है वो आईपीओ के साइज के हिसाब पे भी मैटर करता है। तो यहाँ पे गाइस फिलहाल फाइनल डिसीजन यही है कि अगर जो आप रिस्क ले सकते हैं, आपको 10%, 12%, 15%, मैक्सिमम 20% तक की लिस्टिंग चल जाएगी तो आप ले लो। अदरवाइज अगर जो मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन दिखाया इसके लिस्टिंग के टाइम पे, जो कि 17 तारीख को है, यानी कि अभी टाइम है इसमें, तो आपको अच्छा खासा झेलना भी पड़ सकता है इस आईपीओ को। और ये शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं देता हो देगा, आपको लॉन्ग टर्म में ही होल्ड करना पड़ेगा इसे, दूसरा कोई रास्ता इसमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लॉस बना रही है कंपनी और ये जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, फिलहाल जो करंट सिनेरियो है कुछ अच्छा करता हुआ नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ पे फाइनली आपको समझ में आ चुका होगा, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन को क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट पूछ सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं और काफी सारा हेल्प वहां पे भी आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम का, आप कहीं भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड प्लीज टेल दिस टू एवरीवन एंड बाय बाय फॉर नाउ।